नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभ्यर्थियों के सबसे बड़े डर की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, कमेंट किया है अनूप सिंह जी ने और कहा है कि अभी तो मैं क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं पर एग्ज़ाम में 100 से ऊपर नहीं जाते। ये इन्होंने जो कमेंट किया है दोस्तों, जो हम डेली मॉक टेस्ट कराते हैं उस पे इन्होंने किया है। कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, घर पर अगर मॉक टेस्ट लगाएंगे और या क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छा स्कोर आ जाता है, मगर परीक्षा में पता नहीं क्या हो जाता है कि सेम क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, ईजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं और जिससे कि पीछे हो जाते हैं मेरिट में। बिल्कुल सही है दोस्तों। अब इसका उपाय क्या है? एक तरीके से देख सकते हैं वहाँ पर प्रेशर मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। आखिर क्या कारण है, कौन सा डर है ये? दोस्तों, अभ्यर्थी के अंदर जो सबसे बड़ा डर होता है वो यही होता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। यही सबसे बड़ा दिमाग में जो डर है हर अभ्यर्थी के में होता है जो अभी तक सफलता नहीं पाया है। दोस्तों, जो मेरी कोरोना की जर्नी रही उसमें मैंने एक बात सीखी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और इस चीज़ से बिल्कुल ही लिंक है। जब दोस्तों किसी को भी कोरोना होता है, कोई पॉजिटिव पाया जाता है, उसे खुद नहीं पता होता कि उसका केस कितना बिगड़ेगा, उसकी डेथ हो जाएगी या फिर वो जीवित रहेगा, है ना, या माइल्ड सिम्टम आएंगे। शुरुआत में तो मान लीजिए सिर्फ पता चला, तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, किसी भी पेशेंट के दिमाग में भय जन्म लेने लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये सोचते सोचते ही वो व्यक्ति खुद ही अपना बीपी बढ़ाने लगता है। आपको पता है ना, हमारे सोचने भर से हमारे बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। जैसे यदि तनाव की स्थिति हो तो अपने आप ही कंधों में दर्द होने लगता है। यदि कोई और डर हो दिमाग में तो आपने देखा होगा कि हमारा पेट जो है वो गड़बड़ हो जाता है, तो हमारी बॉडी में भी चेंजेस होने लगते हैं। तो हुआ ये दोस्तों, जब मुझे पता चला कि भाई कोरोना हो गया है, अब मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, तो शुरुआत में पहले दिन तो काफ़ी डर सा था कि अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर मैंने अपने दिमाग से खुद ये पूछा कि कोरोना से पहले क्या लोग मरते नहीं थे? ऐसा तो नहीं है कि कोरोना से पहले लोग अमर थे, उससे पहले भी मरते ही थे किसी ना किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से। और मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मरेंगे तो मर जाएंगे बस। मतलब जो इतना बड़ा भय था वो आपको अपने आप से ही बात करके समझा लेना है अपने आप को, ठीक है, तो आगे की चीज़ जो है वो स्मूथ हो जाएगी। तो यही मेरे साथ हुआ, मैंने भी यही सोचा। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि हम पहले अमर थे और अब अचानक से कुछ हो जाएगा, बस जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसे प्रॉपरली स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करते रहें और जो होगा वो देखा जाएगा। तो उसी हिसाब से दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो 1% ही सही, मगर ये मान के चलिए कि अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। क्योंकि यदि आपके पास इसका जवाब है तो वो जो डर है ना, वो डर ख़त्म हो जाएगा और फिर आप जो है बिल्कुल ईमानदारी से अपनी तैयारी कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि हम क्या करेंगे, हमने तो सिंपल बीए किया है और कुछ किया भी नहीं है। तो दोस्तों, थोड़े बहुत सजेशन मैं दे सकता हूँ, बाकी आप अपने लिए खुद ही समझदार हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, स्टेनो भी सीख ली और स्टेनो अच्छे से सीख ली, मगर फिर भी मान लो किस्मत ऐसी रही कि सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको पता है ना कि आज की तारीख में स्टेनो पढ़ाने वाले भी टीचर नहीं मिल पाते हैं, यानी कि अगर आपने एक साल भी स्टेनो सीखी है और उसके बाद आप स्टेनो के लिए ही इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाते हैं तो वहाँ पर भी आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। और दोस्तों, आपको पता है कि आज की तारीख में जो है IT का ज़माना है और आने वाले समय में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो ग्रो होते जाएंगे। तो ऐसे समय में यदि मान लीजिए कोई आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स कर लेते हैं या वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कर लेते हैं, कुछ भी जो कर लेते हैं जिसका आगे भविष्य है, तो वो भी आपका साथ देने वाला है। मतलब भले ही अभी ना करें, मगर आपके पास एक करियर ऑप्शन होना चाहिए कि अगर ये नहीं हो पाया तो मैं ये कर लूँगा। तो अगर ये टेंशन ख़त्म हो गई ना आपके दिमाग की, क्योंकि ये टेंशन जो है कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस पे असर डालती है, ठीक है, तो यदि आप ये टेंशन मिटा दोगे, मतलब अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी तो लोग होंगे जो बिना गवर्नमेंट जॉब के जी रहे हैं, तब भी जी रहे हैं, मगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो पता नहीं किस उसमें रहते हैं कि नहीं यही मेरा सब कुछ है। ठीक है दोस्तों, आप उसी हिसाब से मेहनत करो, मगर कम से कम सर पे ये तलवार नहीं होनी चाहिए कि अगर नौकरी नहीं लगी तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा या मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने निकम्मे कब से हो गए भाई कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे,
ठीक है ना। तो एक छोटा सा प्लान अपने दिमाग में बना के रखो, अपने आप को समझा दो और फिर पूरी तैयारी से लग जाओ, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, जो मेरा ऑब्जर्वेशन था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आपकी क्या राय है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों हमारे जो लाइव मॉक टेस्ट जो हम करा रहे हैं अभी चल रहा है UP SSSC प्रीवियस ईयर, तो आप रात को 11 बजे हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो सकते हैं YouTube पर। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।